मैं समझता हूँ कि उन्होंने कप्तानी छोड़कर एक बहुत अच्छा काम किया है ये अच्छा फैसला है उनका क्योंकि देखिए अगर इससे पहले जो है ना वो एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे थे कप कैप्टन होने से पहले जो है ना भी एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे थे लेकिन जब से वो कैप्टन बने हैं उस ट ता, उस टाइम से लेकर वो बात उनकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत जो है ना सही नहीं हो रही लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने जो ये फैसला किया है बहुत अच्छा किया है और शायद वो अब अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकें फैसला बिल्कुल दुरुस्त है क्योंकि ना जब से इनकी कप्तानी आई है तो इनकी बैटिंग पर सही गलत इफेक्ट पड़ा है बहुत जिसकी वजह से ये अपनी बैटिंग जैसे एज एज नंबर वन बैट्समैन रहे हैं ये लेकिन उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे सके एज अ कैप्टन इसलिए अच्छी बात है कैप्टेंसी का एक प्रेशर भी होता है अब जब से कैप्टेंसी हटेगी तो इन प्रेशर वो हट जाएगा तो फिर ये ज़्यादा परफॉर्म करेंगे बाबर आजम ने अगर कप्तानी छोड़ी है तो मैं नहीं समझता कि बिल्कुल टूर्नामेंट के फौरन बाद ही कप्तानी छोड़ देनी चाहिए बेहतर यह है कि उसको भी रहने देना चाहिए अगर उसने इस टूर्नामेंट में कोई गलतियाँ की हैं तो बेहतर होगा कि अब चार साल कैप्टनसी की है अब एक्सपीरियंस भी हो गया होगा इसको आगे कंटिन्यू करनी चाहिए थी मेरे ख्याल से उसने अच्छा फैसला किया है क्योंकि अगर पास्ट में हम देखें काफ़ी सारे प्लेयर जैसे हैं जैसे कि हम विराट कोहली की एग्जाम्पल ले लें उसने दो साल एज ए कैप्टन उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर था तो जिसकी वजह से वो परफॉर्म ही नहीं कर सका अब रिसेंटली उसने कैप्टनसी छोड़ी है तो वो एक अच्छी फॉर्म में है एज अ कैप्टन वो टी ट्वेंटी कैप्टन रह सकता था बाबर आजम क्योंकि उसमें एक अच्छा शॉर्ट फॉर्मेट है और अच्छा कॉम्बिनेशन बना हुआ था तीनों फार्मेट अब छोड़ नहीं था तो इन्होंने सोचा चलो छोड़ जाते लेकिन टी ट्वेंटी आई थिंक रखना चाहिए था टी ट्वेंटी में थोड़ी इनकी अच्छी परफॉर्मेंस थी नॉर्मल थी बाकी एज अ कैप्टन शायद आगे चलते टी ट्वेंटी में तो हो सकता है इम्प्रूवमेंट आ जाती